अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सामीन और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि पिछली वीडियो में आपको फ़िल्म के हवाले से बताया गया और उससे के हवाले से आज के हवाले से बताएगा, इस वीडियो में हम आयस के हवाले से बताएंगे आँखों के हवाले से आँखों के आँखों की नज़र इस तरीके से हम रोशनी मुयसर कर सकते हैं कि आँखें की रोशनी वो बेहतर से बेहतर हम उसे यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह ताला की असीम नियमतों में एक आँखों की जो रोशनी है ये भी एक बहुत असीम नियमत है। देखिए, जब आप विटामिन इस्तेमाल करेंगे, विटामिन ए इस्तेमाल करेंगे, गाजरों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा मछली का इस्तेमाल 15 दिनों में एक मतलब कर लें और उसके बाद सेब का इस्तेमाल करें आप, और इसके बाद जो काली मिर्च होती है ये आप इसका इस्तेमाल करें, आँखों की जो रोशनी होगी इजाफा होगा। अब आँखों की रोशनी के हवाले से जितना आप लेट नाइट स्टडी करते हैं, आप पढ़ते हैं और मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, टीवी का बेजा इस्तेमाल, लैपटॉप का, वीडियो गेम्स का, इसका बेजा इस्तेमाल जब होता है तो आँखों की जो रोशनी होती है, बेनाई होती है, उसमें कमज़ोरी और ज़ौफ़पन जो है उसका शिकार हो जाती है। अब हम आते हैं कि इन आँखों की रोशनी को मज़ीद हम रूहानी तरीके से और कुरानी बजायत की सूरत में हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो चले आए मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप वजू करने जाएंगे, आप वजू के पानी को आप इस तरीके से कर लें कि वजू का पानी लें और उसके बाद जो आखिरी जो कंप्लीट वजू करने के बाद जो आखिरी घूट होता है वजू के पकड़ने के बाद जो पानी लें आप उसको आप पी लें करें, तो वजू करने के बाद आप इस तरीके से करेंगे, पानी को थोड़ा सा लें और पानी का आप करें कि आप इसका इस्तेमाल करें एक घूट पीने से, और आप नीयत ये रखें कि तमाम हजरत इंसान को जितने भी मुसलमान हैं, फैमिले हैं, बाप हैं, अल्लाह ताला उनको बीमारियों को दूर रखें जितने भी हजरत इंसान हैं। उसके बाद ऐसा करें कि आप कुलपद्र तीन मरतबा तिलावत करें, इन्ना अनसलना कुलपद्र बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, और आप आसमान की तरफ देखें, जब आप आसमान की तरफ देखकर तीन मरतबा कुलपद्र की आप तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें नज़र में काफ़ी बेहतरीन महसूस करेंगे। उसके बाद आज जब आप नमाज अदा फरमाएँ, नमाज अदा फरमाने के बाद जब आयतुल कुर्सी आप तिलावत फरमाते हैं, आयतुल कुर्सी में वला या उम्मा जब आता है तो दोनों हाथों को आपने लेना है, आँखों के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख लेना है और वला या उम्मा आपने पढ़ना है 11 मरतबा पढ़ने के बाद उस पर दोनों आँखों पर आपने दम कर देना है। ये हो गया सेकेंड वजीफा। थर्ड वजीफा ये कि जब आप कंप्लीट नमाज अदा फरमा चुके और उसके बाद सूरह कौफ़ की एक आयत मुबारक है, फ़कशफ़ना अनका रिफ़ाअका फ़बसरुका अल्यौमा हदीद, इसको आपने 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा तिलावत करनी है और उसके बाद दोनों उंगलियों पे दम करके आपने इस तरीके से आपने आँखों उंगलियाँ फेर लेनी है, तो इंशाल्लाह इसमें भी काफ़ी आपको इजाफा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद एक वजीफा और, सूरह नबा की तिलावत आपने जोहर के बाद अदा फरमानी है, जब आप एक मरतबा जोहर के बाद आप सूरह नबा की तिलावत अदा फरमाएंगे तो आपकी जो नज़र होगी वो बेहतरी की सूरत में आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और अगर उसी सूरत को आप असर के बाद तिलावत फरमाते हैं तो आप इंशाल्लाह कभी भी अंधे नहीं होंगे। दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखें, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।